सो गाइस, तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग ना लैपटॉप के हेल्प से किस तरह से पता करेंगे जो आप लोग के ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। तो आज की इस वीडियो इसी पे होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा तक देखें। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना माइक्रोसॉफ्ट इज ओपन करना। जब भी आप कोई नया लैपटॉप लेते हैं या नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें ना ये माइक्रोसॉफ्ट जो होता है एक तरह से होता है, एक तरह से क्रोम की तरह होता है, ठीक है। तो ये सभी के लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से रहता है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसे ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को नीचे आना है, एंड नीचे जैसे आप आएगा तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग्स वाला ऑप्शन। आप लोग सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा पर्सनल इन्फो के नीचे मिल जाएगा पासवर्ड वाला ऑप्शन। आप लोग को सिंपली क्या करना है, पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना 14 पासवर्ड ऐसा है जो इसने सेव करके रखा हुआ है। तो जब भी आप अपने लैपटॉप में कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो ये ना यहाँ पे आकर सेव हो जाता है। तो यदि आप लोग को जब भी उसका पासवर्ड देखना हो तो आप लोग यहाँ पे आकर उसका पासवर्ड देख सकते हैं और उसका ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वाला बटन आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप आई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। तो ये है क्या, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि आप लोगों ने अपने लैपटॉप में पिन लॉक लगा के रखा होगा तो आप लोगों से यहाँ पे वो पिन मांगा जाएगा। तो चलिए मैंने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे जो लॉक लगाया है वो यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे वो नंबर डाला है, इसके बाद ये यहाँ पे पासवर्ड हमें शो करके दिखा दिया गया है। तो यही जो है ये हमारे लैपटॉप में यानी ये इस ईमेल आईडी का पासवर्ड है। तो आप लोग यदि अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, तो यदि आप लोगों ने अपने लैपटॉप में कोई पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था, कोई ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ था और उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे आकर उस चीज को देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अब किसी का भी देखना है तो बस आप लोगों को आई वाले पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए उसका पासवर्ड हमें शो करके दिखा दिया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका जो पासवर्ड है वो हमें शो करके दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका जो पासवर्ड है वो हमें शो करके दिखा देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और इस वीडियो से यदि आप लोगों को सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।